हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कलर की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये जो है 2 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने हैं और 2 फंदे किनारे के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। इसको आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, कोटी का डिज़ाइन आर प्रोजेक्ट में इसको आप अप्लाई कर सकती हैं। इसको 2 फंदे एक किनारे के लिए और 2-2 करके ऐसे स्वेटर में फंदे आपको डालने हैं और किनारे एक एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रेंड देखिए, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किनारे वाला फंदा पहले हम इसको बुन लेंगे। देखिए, इसको जिससे ये चैन बने, इसलिए हमको यहाँ ये हमारी डिज़ाइन थोड़ी लंबी और भारी पड़ती है, तो इसलिए जो है इसको हम यहाँ उतारेंगे नहीं, ना यहाँ ये जो है सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए हमको यहाँ दोनों सिलाई में ही इसकी बुनाई करनी है। तो देखिए, यहीं से डिजाइन स्टार्ट होगी। इसको हम ऐसे फंदे ले लेते हैं, दोनों को ऐसे ले करके ऐसे हम देखिए इसको हम ऐसे ऐसे इसकी बुनाई करते हैं। ऐसे 2 फंदे में हम बुनाई करेंगे। इसको हमें 2 फंदे में 11 बार बुनना है। एक फंदा हो गया, थोड़ा इसको लूज ही बनाएंगे और धागा ऐसे लपेटेंगे 2, फिर उसी में बुनाई करेंगे 3, इसमें लपेटेंगे 4, इसको बुनेंगे 5, लपेटेंगे 6, फिर इसी में बुनेंगे 7, फिर इसको लपेटेंगे 8, फिर इसी में बुनेंगे 9, और फिर इसको लपेटेंगे 10, और लास्ट में हम एक बार बुन करके 11 फंदा, 2 फंदे से हम 11 फंदा निकाले हैं। फिर इसी तरह से हमको फिर बुनना है, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, उसके बाद ऐसे 2 फंदे से हम 11 फंदा निकालेंगे। ध्यान रहे कि ये हमारा फंदा लूज ही हमको बुनना है। 1, धागा लपेटा 2, फिर उसी में बुनेंगे 3, धागा लपेटेंगे 4, फिर उसे बुनेंगे 5, 5, फिर ये लपेटेंगे 8, बुनेंगे 9, फिर धागा लपेटेंगे 10, इसमें बुनाई करेंगे 11। इसी तरह से हम ऐसे पूरी सिलाई ऐसे रिपीट करेंगे। ऐसे हम बुनते हुए सिलाई को पूरा कर लेते हैं। देखिए, पहली सिलाई हमारी ये पूरी हुई। अब हम आ गए सेकंड सिलाई पर। सेकंड सिलाई में हमें देखिए क्या करना है, किनारे वाला फंदा हमें बुनना है। देखिए, किनारे वाला फंदा बुन लेंगे। अब हम 2 फंदे से 11 फंदा निकाले थे, तो एक में हमें 5 फंदा, एक बार 6 फंदा। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 फंदा हम एक साथ बुनेंगे, 5 फंदा हम एक साथ बुनेंगे। पांच फंदा एक साथ बुनेंगे, हमारा 6 फंदा बचा है। अब की बार हम इधर से बुनाई करेंगे। देखिए, ऐसे हम इसकी बुनाई करेंगे। सेकंड सिलाई में ऐसे बुना जाएगा। फिर 5 फंदा, 1, 2,
तीन चार पाँच, ये पांचों फंदे को हम एक साथ बुनेंगे। पांच फंदे को एक साथ बुनेंगे, छह फंदे को एक साथ बुनेंगे। देखिए ऐसे हम इसकी बुनाई सेकंड सलाइन करेंगे। इस तरह से इसको हम ऐसे सिलाई पूरा करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे को हम एक साथ ऐसे बुनेंगे। इसको हम थोड़ा लूज ही बनाएंगे क्योंकि हमें दो फंदा एक साथ बुनना रहता है, उसमें से 11 फंदे निकालने रहते हैं, तो ये फंदा जो है हमें लूज ही बनाना है। देखिए किनारे वाला फंदा भी हम ऐसे इसको बुन लेते हैं जिससे हमारा यहाँ ये डिजाइन सेफ्टी रहे। और अब देखिए इस तरह से ये डिजाइन बना। अब इसी पर ये दो सिलाई की डिजाइन है, इसी पर आप ऐसे बनाते जाइए, डिजाइन बनती चली जाएगी। देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं, अब की बार हमें इस तरह से इसको उतारना नहीं है, ऐसे हम ऐसे सिलाई डाल करके ऐसे इसको हम दो सिलाई दो फंदे में से 11 फंदा ऐसे बुनेंगे। ऐसे देखिए दो फंदे को एक साथ बुनना है तो इसलिए उल्टी की तरफ से लूज ही बनाना है। इसको साल में बनाइए, कोटी में बनाइए, कार्डिगन में बनाइए। ये डिजाइन बहुत सुंदर फ्लावर की तरह बनती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके रखे हैं तो हम आपको फिर ये डिजाइन दिखाते हैं। तो देखिए देखिए ये डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसको आप कहीं भी बनाइए बहुत अच्छा लगता है। साल वगैरह बनाइए, कोटी में बनाइए, कार्डिगन, जेब में, कैप में, कहीं भी बनाइए बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।